हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरी चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सेक्स का मतलब प्यार होता है, डज सेक्स मीन लव। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, प्यार और सेक्स दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं, दोनों को ही जीवन के लिए जरूरी माना जाता है। लेकिन क्या प्यार ही सेक्स है, उसके विषय पर कई तरह के विवाद हैं। एक वर्ग कहता है कि यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरा वर्ग इन दोनों को अलग अलग बताता है। प्यार में हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जबकि सेक्स हमारे शरीर की जरूरत होती है। यह दोनों ही हमें मानसिक शांति और पूर्णता की ओर ले जाते हैं। प्यार और सेक्स के बिना हर व्यक्ति अधूरा है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में प्यार और सेक्स को लेकर कई तरह के सवाल है। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्यार ही सेक्स होता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्सुअल आकर्षण को किस तरह पहचाने। दोस्तों, इस तरह के रिलेशनशिप में व्यक्ति का आकर्षण सेक्स की तरफ ज्यादा रहता है। इतना ही नहीं, सेक्स के प्रभाव से कायम हुए रिश्ते में व्यक्ति अपना पूरा रिश्ता भावनाओं के आदान प्रदान से ज्यादा सेक्सुअल जिंदगी पर केंद्रित करता है। और इस तरह के रिश्ते में यदि एक साथी प्यार में भावनात्मक रूप से एवं दूसरा सिर्फ सेक्स के लिए जुड़ा हो, तो कुछ समय बाद कई सारी परेशानियां आने लगती है। सेक्सुअल आकर्षण के लिए जुड़ा व्यक्ति हर समय बस केवल सेक्स से जुड़ी कल्पनाएं ही करता रहता है। दोस्तों, खुद से सवाल करें कि क्या आपको प्यार है। सेक्सुअली आकर्षण सिर्फ कुछ ही समय के लिए रहता है, जबकि प्यार काफी गहरा होता है। आपके रिश्ते में प्यार है या नहीं, इसके लिए आपको खुद से ही यह सवाल करना होगा। इसके लिए आप दोनों को साथ में बैठकर रिश्ते पर बात करें, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। इसके अलावा आपको सामने वाले व्यक्ति के साथ रोमांटिक जुड़ाव को महसूस करना होगा और उसके साथ बिताए पलों को याद करना होगा। एक अच्छे साथी में कुछ गुण होने चाहिए, जैसे कि अपनी उन्नति के लिए सजग हों और एक अच्छा इंसान होना चाहिए। अपनी कमजोरियों को पहचाने और उनको दूर करें। भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला होना चाहिए। जिम्मेदारी को समझने और सम्मान पाने का हकदार हो। आपके साथ विश्वास कायम रखे और रिश्ते में सामने वाले की भावनाओं की कद्र करने वाला हो और अपने बारे में न सोचकर आपकी खुशी को महत्व देने वाला हो। दोस्तों, अपनी जरूरतों को महसूस करें। प्यार और सेक्स, ये दोनों ही विचार व्यक्ति के दिमाग में रहते हैं और यही समाज को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेक्सुअल आकर्षण, रोमांस और प्यार की भावनाओं का तालमेल ही आपके रिश्ते में प्यार को बनाए रखता है। दोस्तों, साथी के साथ मिलकर कोई काम करें। आपको अपने बीच प्यार को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ रहना होगा। आप इस तरह के खेल व काम में हिस्सा ले सकते हैं जिन्हें आप दोनों साथ में कर सके। जब आप दोनों ही किसी एक काम को करने में साथ रहेंगे, तो इससे आपके प्यार में इजाफा होगा। और यदि आप साथ में रहने के बावजूद भी प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह का रिलेशनशिप सेक्सुअल आकर्षण के कारण ही जुड़ा होता है। दोस्तों, एक दूसरे के विचारों को जानना चाहिए। अगर आपको अपने रिश्ते के बारे में गहराई से जानना है, तो आप दोनों को ही आपस में इस बारे में बात करनी चाहिए। विचारों के आदान प्रदान से ही आप यह समझ पाएंगे कि सामने वाला आपसे क्या चाहता है। अगर उनके विचारों के केंद्र में केवल और केवल सेक्स ही हो और वह प्यार को कोई तवज्जो नहीं देते हैं, तो समझे कि आपका यह रिश्ता सेक्सुअल आकर्षण की वजह से ही चल रहा है। वही अगर सामने वाला रिश्ते में प्यार को भी महत्व देता है, तो उसके लिए इस रिश्ते का नजरिया दूसरा हो सकता है। दोस्तों, प्यार और सेक्स के अंतर को पहचानने के लिए कुछ बातें याद रखें। दोस्तों, सेक्स एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी विचार विमर्श करना अच्छा नहीं मानता। कई लोगों मानते हैं कि सेक्स करने के लिए प्यार करना जरूरी नहीं है, जबकि भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि जब तक वह किसी से प्यार नहीं करते, तब तक वह किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकते। यानी कि प्यार के रिश्ते के बाद सेक्स होना किसी तरह की बुराई नहीं है। जबकि कई लोग सिर्फ अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए सेक्स करते हैं और इस तरह के लोगों का प्यार से कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ भावनात्मक और संवेदनशील लोग भी मौजूद हैं जो मानते हैं कि प्यार के अभाव में सेक्स करना संभव नहीं है। ये लोग मानते हैं कि जब आप किसी के साथ सेक्स करते हैं, तो उनके साथ प्यार का भावनात्मक रिश्ता जरूर होना चाहिए। वही अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ प्यार की भावना के साथ जुड़ गए हैं, तो आपको उसके साथ शारीरिक क्रिया करना जरूरी नहीं रह जाता है। कई लोग मानते हैं कि जब दो प्रेम करने वाले एक दूसरे से भावनात्मक और मानसिक तौर पर जुड़ते हैं, तो शारीरिक संबंध रखना या बनाना केवल औपचारिकता ही रह जाती है। वही इसके विपरीत कुछ लोग सेक्स को आपसी रिश्ते को करीब लाने के लिए मददगार मानते हैं। समाज में कई लोग प्यार और शारीरिक संबंध को अलग ही मानते हैं। कई सारी रिसर्च बताती है कि कुछ दंपतियों के बीच शारीरिक संबंध न होने पर उनका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया।
शारीरिक संबंध पति पत्नी के बीच के रिश्ते को मजबूत करने वाली क्रिया मानी जाती है, लेकिन यह प्रश्न इसलिए पेचीदा हो जाता है क्योंकि हर व्यक्ति इस प्रश्न को लेकर अपनी सोच के अनुसार ही जवाब देता है। कुछ इसको अलग अलग मानते हैं तो कुछ इसको एक दूसरे का पूरक मानते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें।